नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां पर शहर के स्टेट बैंक में लूटपाट की घटना सामने आई है। लेकिन बैंक कर्मी के सूझबूझ से अपराधी पकड़े गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, अपराधियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है यह घटना मारवाड़ी बाजार स्थित स्टेट बैंक की बाजार शाखा में। बैंक खुलते ही दो अपराधी अंदर घुस गए और चाकू की नोक पर एक महिला बैंक कर्मी को कब्जे में ले लिया। फिर उनसे कैश चेस्ट की चाबी देने को कहा, लेकिन बैंक कर्मी ने हिम्मत जुटाते हुए उसका विरोध किया, जिससे उसके हाथ भी चाकू से कट गए। फिर भी बैंक कर्मियों ने विरोध जारी रखा, जिसकी वजह से लूट की कोशिश में असफल होने पर दोनों अपराधी बैंक से बाहर भाग निकले। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे दो अपराधियों में से एक को पीछा करके पकड़ लिया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना में समस्तीपुर SP विनय तिवारी बैंक शाखा में पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हैं। समस्तीपुर में यह तीसरा मामला है जब बैंक कर्मियों की हिम्मत से लूट की कोशिश नाकाम हुई है। पहली घटना IDBI के मोहनपुर ब्रांच में हुई थी, जब 6 की संख्या में आए अपराधियों को बैंक गार्ड और बैंक कर्मियों के विरोध के बाद भागना पड़ा था। दूसरी घटना विगत दिसंबर महीने में हुई थी, जब बाजार में ही इंडियन बैंक की शाखा में घुसे एक अपराधी ने बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर लूट की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी दबोच लिया गया है। एक कस्टमर आया, उसको पैसा भेजना था, उसके साथ एक और था जो पीछे खड़ा था। पैसा जिसको भेजना था उसको बोले चेक भर दीजिए और जमा पर्ची भर के लाइए, हो जाएगा। तब तक एक पीछा जो था यहाँ आ रहा था, तो बोले इधर क्या काम है, उधर चला गया। ठीक है, तब तक हम लोग अपना खोले, ड्रॉर खोले, चाबियाँ सब भेजे, तब तक वो पीछे कह जमा करने के लिए गया। तब तक हम उधर देखे ही नहीं कि कहाँ गया। अचानक मेरा मुंह बंद कर दिया और बोल रहा है खोलो खोलो जल्दी खोलो। हमें लगा कि कोई नॉन आदमी है, फिर हाथ खींचने कहे तो क्या मतलब फील हुआ कि कुछ गड़ रहा है। तब बोला तिजोरी खोलो, चाबी निकालो, कैश खोलो। उसके बाद तो सब पता नहीं क्या क्या। सिर्फ दो से कस्टमर आए थे, एक को पैसा भेजना था और एक अन्य था जिसको कोई काम नहीं। 10 बजे इसमें आप जख्मी भी हुए हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा बस गर्दन पे लगाया है, लेकिन नहीं लगाया है हाथ पे, सुनाई ना रहा। बड़ी डकैती की घटना को नाकाम किया गया है। आज सुबह सुबह सूचना 10:06 पर हम लोगों को फ़ोन आया था, थाना प्रभारी को, मुझे भी, कि तत्काल बैंक में कोई लड़का घुसा हुआ है जो डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। विदिन 2-3 मिनट के अंदर टाउन थाना प्रभारी चंद्रकांत स्वयं यहाँ पहुँचे। इस बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को 5,000 रुपये का रिवॉर्ड से पुरस्कृत करता हूँ। और आगे पुलिस मुख्यालय भी इनकी त्वरित कार्रवाई के लिए इनको अनुशंसित किया जाएगा। ये ना सिर्फ घटना स्थल पर स्वयं पहुँचे, बल्कि इनके द्वारा जो अभियुक्त घटना को अंजाम दे रहा था उसको गिरफ्तार किया गया, उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में अभी तक हम लोग स्पष्ट हुआ है कि लड़का मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। ये कल अपने घर से निकला है, दिन भर यहाँ वहाँ घूमा है। सुबह 4 बजे इसने मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ी है, 7 बजे के आसपास ये यहाँ आया है। इसने किसी लोकल दुकान से छोटा सा चाकू परचेज किया है, जिसको लेकर के इसको पैसे की आवश्यकता थी। कुछ इसका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है किस तरह का लड़का है ये, लेकिन पहली नज़र में लग रहा है कि शायद शन की प्रवृत्ति का लड़का है। इसको ये अंदाज था कि बैंक में पैसा होता है, सुबह सुबह बैंक घुसता है, बैंक खुलता है, उसी समय जाके हम कुछ पैसा लूट करके उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। ये लड़का उस समय घुसा था, अभी तक ये अकेला ही हम लोगों को लग रहा है, इसके साथ कोई और नहीं आया था, ये पूरा क्लियर हो गया है। ये बैंक में घुसा, बैंक कर्मियों से इसने पैसा मांगने का प्रयास किया, बैंक कर्मियों के द्वारा पैसा नहीं जब दिया गया तो एक बैंक कर्मी को इसने घायल भी किया है, जिनको हल्की सी चोट पहुंची है, जिनका इलाज किया जा रहा है। तभी बैंक के मैनेजर द्वारा हम लोगों को फ़ोन कर दिया गया था, तो हम लोग पहुंचे तुरंत। जो चाकू बरामद हुआ है इसमें ब्लड स्टेन भी है, जो टॉवल वहाँ रखा हुआ था उसमें भी ब्लड स्टेन है, लोग घायल हुए हैं, चाकू पर इसके फिंगरप्रिंट भी हैं। FSL को भी हम लोग बुला रहे हैं ताकि सारे साक्ष्यों को एकत्रित किया जाए। ये जिस थाना का रहने वाला है उस थाना के और उस लोकल मुजफ्फरपुर के उस थाना से हम लोगों ने संपर्क भी किया है, तो वहाँ से ये स्थापित हो चुका है कि मुजफ्फरपुर के बरुआ थाना का रहने वाला भी है। इसका नाम आर्यन है। ये पैसे की लूटपाट के लिए गोला रोड में समस्तीपुर में बैंक SBI की मेन ब्रांच SBI की ब्रांच में घुसने का इसने प्रयास किया था, लूट कर नहीं पाया, लूटपाट करने का प्रयास था। उसके पहले ही बैंक कर्मी के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बैंक कर्मियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, और बैंक कर्मियों से भी ये समस्त पूरे जिले के बैंक कर्मियों को ये प्रेरणा है कि हमेशा किसी घटना को घटित होने से पहले ही पुलिस को बता दें। तभी 3-4 मिनट के अंदर लोकल थाना, नगर थाना की पुलिस, थाना प्रभारी चंद्रकांत स्वयं पहुँचे, उसके बाद DSP हेडक्वार्टर पहुँचे और 10 मिनट के अंदर मैं स्वयं पहुँच गया। हम लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं, और भी कई पहलू हैं, CCTV को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि अकेला था, चाकू लेकर घुसा था, बैंक में कुछ पैसे की इसको दरकार थी, बैंक कर्मी को इसने घायल करने का प्रयास किया लेकिन पैसा नहीं लूट पाया। इसके बैग में से और भी कई सामान मिले हैं जिसको हम लोग अभी एकत्रित कर